8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दे हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए, cot a इज इक्वल टू 8/15। तो cot a का जो रिलेशनशिप है, cot a का फॉर्मूला क्या है, cot a का फॉर्मूला हम बना लेंगे जैसा tan के अपोजिट में, tan का क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आप जानते हैं देखो ये यहाँ पर a है, a का जो एडजेसेंट है वो कितना है 8, ऊपर 8 दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 8, इसको k कांस्टेंट लगा लेंगे, और इसका जो अपोजिट है अपोजिट कितना है 15, तो यहाँ पर राइट कर दूंगा मैं 15k। तो पहले हमें फाइंड करना है उसका जो एसी है, एसी फाइंड करना है, तो इससे पता लगता है हमें क्या समथिंग जो हमें टाइप करना है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं नीचे राइट करता हूँ, अब देखिए तो हमारे पास में ए बी मिल चुका है हमें कितना 8k कॉमा, और हमें बी सी मिल चुका है 15k। तो हमें फाइंड करना है अभी ए सी, तो हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, ए सी निकालना है इसीलिए ए सी एज इट इज, ए बी कितना है हमारे पास में 8k का स्क्वायर प्लस बी सी का कितना जाएगा 15k का स्क्वायर। आप जानते हैं 64k का स्क्वायर प्लस 225k का स्क्वायर। आप जानते हैं 64 और 20 225 289 होता है, कितना होता है 289 और ये जो इसका है k स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ AC का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा AC इज इक्वल टू कितना, ये 17 का है 17 और k का स्क्वायर वो जो कट हो जाएगा ये AC स्क्वायर से, तो ओनली 17 किया गया। तो इससे पता लग गया हमें क्या AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 17, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर 17 की। तो ये हो गया AC का 17 की। हमें पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन ए का अपोजिट क्या है, BC अपॉन AC। तो BC कितना है आप भी जानते हैं, BC 15k है राइट नाउ, 15k अपॉन AC कितना है 17k। आप जानते हैं मैं एक बार फिर से राइट करता हूं इसे, ये k और जो नीचे का जो k, ये k k कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी मिली हमें 15/17, ये किसकी मिली हमें साइन ए की। चलिए उसके बाद में हमें हम देखते हैं जो हमें फाइंड करनी है उसके बाद में सेके, तो सेके किसके अपोजिट में है साइन के, तो सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा जैसा हाइपोटेनियस अपॉन, तो हम लिखेंगे यहां पर AC अपॉन AB, करेक्ट। तो AC हमारे पास में कितना है 17k और AB कितना है हमारे पास में 8k, तो ये सेम कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास में 17/8। तो इसी तरह दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब देखिए पहले हमने साइन ए को फाइंड किए और हमने सेक ए को फाइंड किए। इसी तरह अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो 2 मार्क के लिए इजीली आपको एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। और ये अगर वीडियो हमें आपको अगर पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल के आइकॉन को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।